Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts, unit number 1, part 2. The name of chapter is accounting of share capital. और पिछले कई लेक्चर से हम शेयर कैपिटल की थ्योरीज कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसकी ब्लैंक जर्नल एंट्रीज कैसे होती है. आज एक बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा एक प्रैक्टिकल सम लेने जा रहे हैं, ठीक है. 8 मार्क्स का पूछा जाता है, हालांकि इतना ईजी तो नहीं आता एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी ये पहली सीढ़ी है, ये फर्स्ट स्टेप है. ये अगर आएगा तो आगे के सम्स आपको आ जाएंगे, ठीक है. सी पहले पूरा क्वेश्चन ना रीड करना होता है पेशेंटली. सैलजा कंपनी लिमिटेड इश्यूड 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है. ऑन विच द अमाउंट कॉल्ड अप वाज एज अंडर, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, ऑन फाइनल कॉल 2 रुपीज. अमाउंट्स कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. ऑल्सो प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट. देखो ये अकाउंट्स अपने को प्रिपेयर नहीं करने हैं अभी. अभी मैं सिर्फ आपको जनरल एंट्रीज बताने वाला हूँ और आगे भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, नहीं आते एग्जाम में. हाँ, तो पहली एंट्री एप्लीकेशन के टाइम क्या एंट्री होती है, देखो थोड़ा बहुत ना आपको आइडिया होना चाहिए. अगर नहीं आइडिया है आपको, आप पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और मैं क्लोज द वीडियो और इससे पहले का लेक्चर जो था वो जा करके आप देखो, ठीक है. तो उससे आपको जनरल एंट्रीज का आइडिया आएगा. तो सबसे पहला कितने एप्लीकेशन मिले, तो ऑल द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड इन फुल. सो हाउ मेनी एप्लीकेशन वर देर, हाउ मेनी शेयर्स वर देर. सो शेयर्स वर 2,40,000, तो हमें कितने एप्लीकेशन मिले होंगे, 2,40,000. 3 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाया गया है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कितना पैसा आता है. सो 2,40,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज 7,20,000. सो दैट 7,20,000 फर्स्ट एंट्री क्या होगी इसकी, तो फर्स्ट एंट्री इसकी होगी क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन में कंपनी के पास पैसा आया है. कंपनी के पास पैसा आया है तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू. किस चीज के पैसे ये, तो ये है एप्लीकेशन. किसका एप्लीकेशन, शेयर का एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो सी द जनरल एंट्री. सो बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,20,000. नरेशन बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 2,40,000 शेयर्स एट 3 पर शेयर. दूसरा एंट्री, ये जो एप्लीकेशन की अमाउंट मिली है, इस एप्लीकेशन की अमाउंट को यूज करने के लिए कंपनी को उस 7,20,000 को, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है शेयर्स की, उसे ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट में. तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कंपनी इसकी एक और एंट्री पास करेगी, जिसमें क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो हो जाएगी डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. इज दैट क्लियर. तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा डेबिट. तो इसके बाद की एंट्री आप देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर. सो बीइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर मनी, एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर. तो ये आपको सेकेंड एंट्री पास करनी होती है. इस तरह से हर एक की पेयर वाइज दो दो एंट्री होगी, ठीक है. जैसे मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री दी जाएगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होगी, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होगी और फाइनल कॉल की भी 2 एंट्रीज होगी. इस तरह से टोटल हमको इस समय 8 जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है. इज दैट क्लियर. अब देखो एप्लीकेशन के टाइम पे ना पहले बैंक की एंट्री होती है और बाद में कैपिटल की एंट्री होती है, और बाकी सभी में पहले कैपिटल की एंट्री होती है और बाद में बैंक की एंट्री होती है. इज दैट क्लियर. अब देखते हैं दूसरा, अलॉटमेंट के टाइम फिर से कंपनी ने कितने मंगा है, तो अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने 3 रुपए मंगा है. तो जब अलॉटमेंट की नोटिस कंपनी शेयर होल्डर्स को भेजेगी तब एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो पहले अलॉटमेंट की यह एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाद में कंपनी को पैसा मिलेगा. तो जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. लेट्स चेक द एंट्री. सो अलॉटमेंट की पहले एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,20,000. 7,20,000 कैसे आया, सो 2,40,000 वॉज द शेयर्स एंड द पर शेयर हाउ मच अमाउंट
called up by the company, so 3 rupees, so 2,40,000 into 3, again 7,20,000, so 2 equity share capital account 7,20,000. अब ये कंपनी को जब पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,20,000. इज दैट क्लियर? तो जिस तरह से हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास की है बिल्कुल डिट्टो ऐसी सेम एंट्री फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की भी होगी, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2 रुपये मंगाए गए हैं और फाइनल कॉल के टाइम पे भी 2 रुपये मंगाए गए हैं. सो 2,40,000 इंटू 2 दैट इज 4,80,000 एंड फाइनल कॉल के टाइम भी 4,80,000. तो दोनों की कंबाइनली मैं जनरल एंट्री दिखा देता हूँ तो आज का सेशन जो है हम पूरा कर सकें. देखिए फाइनल कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,80,000 एंड 4,80,000. सिमिलरली सेम एंट्री वुड बी पास फॉर द फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? सेम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बस नाम चेंज हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 480 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 480 एंड 480. सो होपफुली आज का ये जो सम है आपको समझ में आ गया. अगर ये समझ में आ गया है तो दो बार इसी सम को करना और इसके जैसा एक्सरसाइज में जो सबसे पहला सम है ठीक है वो आप पूरा करोगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय बाय. स्टे होम एंड स्टे सेफ.